दोस्तों, मैं लीपिंग रिमो आपका डब्ल्यू न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज है नार लगन पे। आपको बता दूं कि आज यहां आने का कारण ये है कि जो पिरामल स्वास्थ्य जो एनजीओ है, वो आरजीयू स्टूडेंट जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट से है, वो कोलेबोरेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के साथ कोलेबोरेट करते हुए ये नाटक रखने का फैसला किया है, जो कि टीबी के अवेयरनेस के लिए कर रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम आप सबको टीबी की जुड़ी जानकारी मैं देता हूँ। जो टीबी इलाजिबल है और टीबी की जितनी भी दवाई है वो मुफ्त मिलेंगे आपको। ये खांसी कोई आम नहीं, अगर 3 हफ्तों से है जारी तो जाके अपनी जांच कराएं, पता करें ये टीबी है या नहीं। दूध सेंटर जाके बलगम की जांच कराएं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, नहीं होगी कोई परेशानी या टीबी की दवा होगी बिल्कुल मुफ्त। हेलो डॉक्टर, हम लोग टीबी का रिपोर्ट देखने के लिए आए थे दूध सेंटर में। अच्छा, आपका रिपोर्ट आ गया है और आपका बलगम का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये एक फैलने वाला बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे करके मार देता है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसका इलाज कैसे करेंगे? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको सलाह देता हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि टीबी आपको लाइलाज बीमारी नहीं है, टीबी का इलाज बहुत संभव है। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने सबसे नज़दीकी डॉट सेंटर डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर में जाइए, वहाँ में जाके डॉक्टर्स को मिलिए और उनसे मिलकर आप वहाँ पे डॉट सेंटर में आपको इलाज, चेकअप और मेडिसिन हर कुछ सब कुछ गवर्नमेंट की ओर से फ्री में मिलता है। तो आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी अपना कदम उठाइए और जाइए और अपने आप को ठीक करने में अपना ध्यान लगाइए। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम शपथ लेते हैं पूर्ण संकट युक्त प्रयास। उसका मीनिंग यह है कि हम सब मिलकर, हमारे जितने इंडिया देशवासी है, हम सब मिलकर टीबी को 2025 तक जो हमारा नरेंद्र मोदी जो एम किया है उसको हम लोग फिनिश करने में, टीबी बीमार को खत्म करने में हम लोग मदद करेंगे।